गुड मॉर्निंग एवरी वन. कॉन्टिन्यू विद अवर नेक्स्ट पॉइंट. नेक्स्ट जो हमारा डेवलपमेंट बैंक है दैट इज स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, या जिसे आप सिडबी कहते हैं. स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियल यूनिट्स की डेवलपमेंट के लिए, उनके बेनिफिट के लिए सिडबी को एस्टैब्लिश किया गया इन द ईयर 1989. जो मेन ऑब्जेक्टिव था सिडबी का, दैट इज एडिक्वेट फाइनेंशियल एड प्रोवाइड करवाना स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को, प्रमोट करना मॉडर्नाइजेशन, टेक्निकल अपग्रेडेशन करना स्मॉल स्केल यूनिट्स की, फैसिलिटेट करना मार्केटिंग ऑफ प्रोडक्ट स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के इंडिया में और अब्रॉड, प्रमोट करना एम्प्लॉयमेंट को बाई गिविंग स्पेशल असिस्टेंस टू लेबर इंटेंसिव स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज. और जो सिडबी रही है वो सक्सेसफुल रही है इन अचीविंग ऑल दीज ऑब्जेक्टिव. जो सिडबी है उसने सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन किया है इन प्रमोटिंग स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज इन इंडिया. सिडबी डायरेक्ट लोन प्रोवाइड करवाती है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को, इनडायरेक्ट लोन्स प्रोवाइड करवाती है कमर्शियल एंड कोऑपरेटिव बैंक्स को, रीफाइनेंस करके लोन्स जो एडवांस किए हैं इन बैंक्स ने स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को. इन ईयर 2017-18 सिडबी ने जो लोन सेंक्शन किए थे वो अमाउंट करते हैं 259465 करोड़ रुपीज टू SSI यूनिट. सिडबी को क्रिटिसाइज किया जाता है किस पॉइंट के लिए, कि अननेसेसरी डिले होता है इन सेंक्शनिंग दी लोन्स. देन नेक्स्ट जो हमारा बैंक है दैट इज इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट बैंक ऑफ इंडिया, जिसे आप शॉर्ट में IIBI कहते हैं. रिवाइव करने के लिए, रिहैबिलिटेट करने के लिए सिक यूनिट्स को इसे एस्टैब्लिश किया गया इंडस्ट्रियल रिकंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के नाम से इन द ईयर 1971. 1984 में IRCI जो है वो नाम दिया गया. उसका जो नाम था इंडस्ट्रियल रिकंस्ट्रक्शन बैंक ऑफ इंडिया, उसे नाम चेंज किया गया. देन इन द ईयर 1995 IRBI को फुल फ्लेज डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन स्टेटस दिया गया और एक नया नाम दिया गया. वो जो नाम दिया गया वो था इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन्वेस्टमेंट बैंक ऑफ इंडिया. जो मेन ऑब्जेक्टिव है IIBI का, दैट इज फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करवाना सिक यूनिट्स को, मैनेजरियल और टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड करवाना सिक यूनिट्स को, कोऑर्डिनेटिंग असिस्टेंस प्रोवाइड करवाना अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को, गवर्नमेंट एजेंसीज को प्रोवाइड करवाना मर्चेंट बैंकिंग सर्विसेज अमलगामेशन के लिए, मर्जर एसेट्रा के लिए. इन द ईयर 2006-07 IIBI ने जो लोन सेंक्शन किए वो थे वर्थ 11184 करोड़ रुपीज टू वेरियस सिक इंडस्ट्रियल यूनिट्स. अब जो IIBI है वो इन द प्रोसेस ऑफ वॉलंट्री वाइंडिंग अप है, और फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट बैंक जो ये है IIBI वो क्लोज होने वाला है. द नेक्स्ट इज योर स्टेट फाइनेंस कॉरपोरेशन. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पास किया स्टेट फाइनेंस कॉरपोरेशन एक्ट 1951 में, ताकि स्टेट लेवल पे फाइनेंस कॉरपोरेशंस को एस्टैब्लिश किया जा सके. ये जो कॉरपोरेशंस थी इनका मेन पर्पस जो था दैट इज मीट करना लॉन्ग टर्म क्रेडिट रिक्वायरमेंट स्मॉल और मीडियम साइज इंडस्ट्रीज की. ये जो कॉरपोरेशंस हैं उन्हें सेटअप किया गया एट स्टेट लेवल. ये असिस्टेंस प्रोवाइड करवाती है इंडस्ट्रियल यूनिट्स को जो उनके स्टेट में एस्टैब्लिश है. ये कॉरपोरेशंस लोन प्रोवाइड करवाती हैं पब्लिक कंपनीज को, प्राइवेट कंपनीज को, कोऑपरेटिव सोसाइटीज को, पार्टनरशिप फर्म्स को, सोल ट्रेडर्स को. और जो लॉन्ग टर्म के लोन्स है यूजुअली ये प्रोवाइड करवाती हैं. जो कॉरपोरेशन है उसे मैनेज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करते हैं, जिसमें 10 मेंबर्स होते हैं. एक मैनेजिंग डायरेक्टर्स उन 10 मेंबर्स में से सिलेक्ट किया जाता है, और 3 मेंबर्स जो हैं वो स्टेट गवर्नमेंट नॉमिनेट करती हैं, और जो अदर मेंबर्स होते हैं वो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वेरियस एरियाज से. और ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द मैनेजिंग डायरेक्टर जो स्टेट गवर्नमेंट है वो अपॉइंट करती है चेयरमैन को जो कॉरपोरेशन का है. देन एट प्रेजेंट 28 स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन है, और इन कॉरपोरेशन ने सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया है इन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ वेरियस स्टेट्स. ये असिस्टेंस मेनली स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को प्रोवाइड करवाती हैं. देन नेक्स्ट जो हमारा इंस्टीट्यूशन है दैट इज स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन. 28 स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशंस हैं जिन्होंने प्रमोट किया है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को वेरियस स्टेट्स में, और ये कॉरपोरेशंस मेनली फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करवाती हैं स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स को. इन द ईयर 2002
2003 SIDC's ने जो लोन सेंक्शन किया था वो था अमाउंटिंग टू 1250 करोड़ रुपीस। देन इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड इन द ईयर 2006 गवर्नमेंट ने सेटअप किया IIFCL को विद एन ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ 1000 करोड़ रुपीस। ये लॉन्ग टर्म फाइनेंस प्रोवाइड करवाती है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए प्राइवेट सेक्टर यूनिट्स को। बाय द एंड ऑफ मार्च 2018 IIFCL ने सेंक्शन किए लोन्स अमाउंटिंग टू 117190 करोड़ रुपीस फॉर 567 इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। देन एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया जिसे आप कॉमनली एक्सिम बैंक कहते हैं, ये एस्टैब्लिश हुआ ऑन जनवरी 1982। ये प्रोवाइड करवाता है फाइनेंशियल असिस्टेंस एक्सपोर्टर्स एंड इम्पोर्टर्स को। जो बैंक है वो रीफाइनेंसिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करवाता है अदर कमर्शियल बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को जो लेंड करते हैं एक्सपोर्ट इम्पोर्ट एक्टिविटीज के लिए। देन नबार्ड इसे एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट बैंक को की जो डेवलपमेंट है रूरल डेवलपमेंट को आप कहिए कि प्रमोट करने के लिए इस बैंक को एस्टैब्लिश किया गया। ओरिजिनली जो कॉपरेशन एस्टैब्लिश हुई थी वो हुई थी एग्रीकल्चर रीफाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉपरेशन, जिसे एस्टैब्लिश किया गया था 1963 में। इस कॉपरेशन को 1982 में रिप्लेस किया नबार्ड ने। ये जो एस्टैब्लिश किया गया था वो था रीफाइनेंस करना क्रेडिट को जो प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चर के लिए दे रहे हैं आप स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज कॉटेज एंड विलेज इंडस्ट्रीज के लिए दे रहे हैं या अदर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के लिए दे रहे हैं जो रूरल एरियाज में हो रही है उन एक्टिविटीज़ के लिए इसे एस्टैब्लिश किया गया। ऑन 31 मार्च 2018 आउटस्टैंडिंग अमाउंट जो लोन एंड एडवांसेस की थी नबार्ड की वो 354704 करोड़ रुपीस थी। देन नेक्स्ट आता है हमारा नेशनल हाउसिंग बैंक, इसे एज अ होली ओन सब्सिडरी ऑफ RBI एस्टैब्लिश किया गया। इसे सेटअप किया गया था 1988 में अंडर नेशनल हाउसिंग बैंक एक्ट 1987। ये एपिक्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ हाउसिंग सेक्टर। ये फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करवाता है अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को जो हाउसिंग फाइनेंस प्रोवाइड करवाते हैं। इसका मेन एम जो है दैट इज कॉस्ट इफेक्टिव हाउसिंग फाइनेंस सिस्टम एस्टैब्लिश करना, प्रमोट करना उसको, ताकि सभी जो सेगमेंट्स है पॉपुलेशन के उनको कैटर किया जा सके। ये रेगुलेट करता है एक्टिविटीज हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज की। इसे फ्रेम किया और इसने फ्रेम किया है प्रधानमंत्री आवास योजना, अर्बन एंड रूरल हाउसिंग इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम्स को जो इम्प्लीमेंट कर रही है हाउसिंग फॉर ऑल बाय 2020 की स्कीम को गवर्नमेंट की। देन नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज फाइनेंशियल असिस्टेंस सेंक्शन बाय ऑल इंडिया डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस टू इंडस्ट्रियल यूनिट्स। जो ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जिसमें IFCI, ICICI, IDBI, SIDBI, IIB सेक्टर आ जाते हैं, वो ऑपरेट करते हैं एट ऑल इंडिया लेवल। फाइनेंशियल असिस्टेंस जो सेंक्शन की है इन सभी ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ने टू वेरियस इंडस्ट्रियल यूनिट्स, उसे आप इस टेबल से देख सकते हैं। 1970-71 में जो टोटल सेंक्शंस थी वो 250 थी और जो डिस्पर्स हुई वो 160 हुई। उसी को जब हम कंपेयर करते हैं 2017-18 से तो सेंक्शंस जो हुई हैं वो हुई हैं 154372 और जो डिस्पर्समेंट्स हुई हैं वो हुई हैं 128214। तो ओवर द ईयर्स जो सेंक्शंस और डिस्पर्समेंट्स हैं दोनों इंक्रीज हुई हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज अचीवमेंट्स ऑफ डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया, क्या क्या उनकी अचीवमेंट्स रही हैं। जब से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को स्टार्ट किया गया, इन डेवलपमेंट बैंक्स को स्टार्ट किया गया, तो उन्होंने एडिक्वेट फंड्स प्रोवाइड करवाए हैं फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। जैसे कि हमने टेबल में ऊपर देखा भी कि ओवर द ईयर्स जो अमाउंट है वो इंक्रीज हुआ है। देन स्क्रूटनी जो ये करते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की सेंक्शन करने से पहले असिस्टेंस को इंडस्ट्रीज की, उसकी क्वालिटी इंप्रूव हुई है, उससे क्वालिटी इंप्रूव हुई है इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स की। ये जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है वो इमर्ज हुए हैं एज द मोस्ट इंपॉर्टेंट अंडरराइटिंग इंस्टीट्यूशंस प्राइमरी मार्केट में। ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस प्रोवाइड करवाते हैं लॉन्ग टर्म लोन्स टू मीट द फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स ऑफ अवर ग्रोइंग इंडस्ट्रियल सेक्टर। मर्चेंट बैंकिंग की जो इनकी डिवीजन है वो सभी टाइप की मर्चेंट बैंकिंग की सर्विसेज प्रोवाइड करवाती है, जैसे
अंडर राइटिंग, कंसल्टेंसी, हेल्प करती है मार्केटिंग में, हेल्प करती है फॉरेन ट्रेड सेक्ट्रा में। देन ये जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है स्पेशल इंटरेस्ट लेते हैं उन प्रोजेक्ट्स में जो बैकवर्ड एरियाज में इम्प्लीमेंट हो रहे हैं। कॉम्प्रिहेंसिव फाइनेंशियल एज वेल एज नॉन फाइनेंशियल मेजर्स ये अडॉप्ट करते हैं ताकि स्टिमुलेट किया जा सके इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को बैकवर्ड एरियाज में। देन ये जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है प्रमोट करते हैं डेवलपमेंट ना सिर्फ लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज की बट स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की भी। सिडबी और एसएफसीज ने कॉन्ट्रीब्यूट किया है, सब्सटेंशियल फाइनेंशियल असिस्टेंस दी है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल स्केल सेक्टर। देन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने टैकल की है प्रॉब्लम इंडस्ट्रियल सिकनेस की। देन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने प्रोवाइड करवाया है टेक्निकल सर्विसेज एंड कंसल्टेंसी फॉर द ओवरऑल ग्रोथ ऑफ द इंडस्ट्रियल सेक्टर। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जैसे नाबार्ड है उसने सिग्निफिकेंटली कॉन्ट्रीब्यूट किया है इन द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एंड अदर इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन रूरल एरियाज। नेशनल हाउसिंग बैंक ने प्रमोट किया है हाउसिंग सेक्टर को इकोनॉमी में। तो इन शॉर्ट अगर हम कहें तो इन इंस्टीट्यूशन ने सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन किया है इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। देन नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज शॉर्टकमिंग्स क्या रही हैं डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की इंडिया में। इसे हम कंटिन्यू करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।